स्क्रीन पर दिखाए जाने वाला मोबाइल स्टैंड मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आप वर्टिकल मोबाइल भी रख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। मेरा सिर्फ टेक्निक और तरीका बताने का उद्देश्य है। डेकोरेशन आप कलर से करें, पेपर से करें या अन्य तरह से, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। आज जो मोबाइल स्टैंड हम बनाने जा रहे हैं उसमें रोल, कैंची, कटर, ग्लू, ब्रश, मिट्टी, पेपर मिश हो सकती है या फिर POP, ये सब सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए किस तरह का स्टार्ट करना है। इस प्रकार से मेरे पास ये बड़ा रोल था, इसको मैंने बीच में से कट किया है। अगर आपके पास छोटे छोटे दो हो तो उन्हें कट ना करें। 5-5 इंच के दो रोल हैं, इसके अंदर जो एक भाग है उसमें मैंने एक मार्क किया है मोबाइल के नाप के बराबर या कुछ उससे बड़ा हो सकता है। यह देखिए पीछे दूसरा भाग हमें एडजस्ट करेंगे, तो यह देखिए उसको किस प्रकार से कट करना है। कटिंग का कार्य आप पेरेंट्स की उपस्थिति में करें। अब देखिए मोबाइल रखा हमने, गहराई काफ़ी है। दूसरा पार्ट है उसको इस तरह से बीच में से दो भाग कर लें। अब इस ब्लॉक के अंदर आपका जो फर्स्ट भाग है उसको इस तरह डालें। देखिए गहराई काफ़ी है, इसलिए आपको इस गहराई में पेपर मेशी, क्ले, चाक पाउडर या फिर पीओ जो उपलब्ध है उससे आधे से अधिक अंदर भर दें। मैंने साधारण क्ले जिसमें फेविकोल मिलाया है और उपयोग किया है, आधे से अधिक मैंने फिल करके दूसरा कटआउट इस प्रकार से सेट कर दिया है। साइड से भी मैंने इस प्रकार से क्ले से उसको पैक कर दिया है ताकि वजन बना रहे और मोबाइल रहने पर वह इधर उधर ना हो। अगर आपको केवल वर्टिकली फ़ोन रखना है तो यह आपका मोबाइल स्टैंड तैयार है। उसको POP से आप इस प्रकार से वाइट कर दें या फिर फेविकोल की अच्छी कोटिंग कर दें ताकि मिट्टी है सूख कर घिरेगी नहीं, या यहीं तक आपको वर्क करना है तो इस पर आप कलर कर सकते हैं। इसी स्टैंड में मैं आपको हॉरिजॉन्टल रखना भी बताना चाहती थी। अगर आप वर्टिकली भी चाहते हैं तो एक और ब्लॉक इस प्रकार से आपको लेना है और उसे भी दो भाग में कट करना है। ये देखिए नाप का है, इससे टैग बोर्ड की पिन इसमें लगा दी है ताकि अटैच हो जाए। बोर्ड की पिन इस प्रकार से नीचे लगा दी। देखिए इसी प्रकार से इस कटआउट में भी मिट्टी आधे से ज़्यादा नीचे के भाग को लेकर लगा दी गई है। ये देखिए अच्छी तरह से, और साइड का दोनों तीनों जो रोल थे उसके जो गैप है उसको भी फिल कर दिया गया है। उसको काट के बनाया है, उसके ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया है। कटआउट सर्कल मैंने इस टॉप, यह देखिए अब एक या क्ले में फेविकोल मिलाकर उसको पूरे को इस तरह आपको एक अच्छी कोटिंग देना है। सूखने के पश्चात इस तरह से वाइट कलर एशियन पेंट या जो पेंट आपके पास हो उसको पूरी तरह इस प्रकार से पोत दें। उसके बाद चाहे तो आप पेपर लगाएं या इस पर और डिज़ाइन करें। आप चाहें तो कलर ना करें और फेविकोल की कोटिंग के बाद पेपर चढ़ा दें, यह आपकी आप पर डिपेंड करता है। इस तरह से पेपर को मनचाहे कलर से सजा दें। आप चाहें तो वाइट जो आपने पेंट किया था उसी पर अन्य कलर से इस प्रकार का डिज़ाइन करें। मैंने इसमें प्रिंटेड पेपर
चढ़ा दिया है और उस पर ब्लैक से वर्क कर रही हूँ। सिंपल प्लेन पेपर भी लिया जा सकता है, यह मेरे पास वेस्ट बचा हुआ प्रिंट पेपर था। आप चाहें तो इसे इस तरह से प्लेन भी रख सकते हैं। डिज़ाइन करके और भी बन गया, देखिए कुछ इस प्रकार से पीछे के साइड डिज़ाइन मेरे द्वारा की जा रही है। आप देखते हैं, आप अपने चयन के अपनी पसंद के पेपर के बाद आप अपने पसंद के कलर से डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे तो कुंदन लेस से सजाएं, चाहे कलर से सजाएं, चाहे कौन पेंटिंग से सजाएं। पहले जो बनाया आप वर्टिकली मोबाइल रख सकते थे। ये देखिए